हेलो एवरी एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश सागा कल के ये लेसन में हमने सीखा था कि हम टाइम से रिलेटेड वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा तो वो वाली वीडियो यहाँ पे होगी तो आप देख सकते हैं आज की वीडियो में भी हम ऐसे ही वर्ड सीखेंगे जो हम डेली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम किसी किसी से कहते हैं बस बहुत हो गया अब अब ठीक है बस बहुत हो गया दैट्स दैट्स एनफ इसके प्रोनउंसिएशन देखिए इसको जी एच से हम एंड करते हैं पर इसको हम बोलते हैं एनफ जब हम कहते हैं हाँ बिल्कुल यही चीज एग्जैक्टली एग्जैक्टली जब हम सामने वाले की बात से सहमत हो रहे हैं मान लीजिए उसने हमें बोला कि भाई वो तो बहुत ज्यादा धोखेबाज है तो हम कहेंगे एग्जैक्टली exactly, हाँ बिल्कुल यही जब हम कहते हैं असल में ये बात है तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं इन इन जब हम किसी को कहते हैं शांत होने के लिए तो हम उसको कहते हैं काम डाउन काम डाउन मतलब शांत हो जाओ अपना गुस्सा ठंडा कर लो काम डाउन जब हम किसी को कहते हैं अब छोड़ो उस बात को जाने भी दो तो हम इसको कहते हैं इंग्लिश में लेट इट बी लेट इट बी आई होप आपको ये समझ आया हो आज का लेसन हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में तब तक के लिए कीप लर्निंग